वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स. आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट. नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर्म्स इन एचटीएमएल एंड सेशन नंबर 7 मेकिंग फॉर्म. ऑलराइट, पहले प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने देखा कि फॉर्म्स के क्या क्या टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं. राइट, हम लोग जब फॉर्म बनाते हैं तो हम लोग क्या क्या टैग्स का यूज करते हैं. ऑलराइट, व्हाट इज फॉर्म. हम लोगों ने फॉर्म का यूज भी देखा था. कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को अगर एंटर करनी हो तो हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं. राइट, और इसमें अलग अलग तरीके के टैग्स थे. जैसे फॉर्म टैग होता है मेन, फिर उसके बाद में इसमें रेडियो बटन था, चेक बॉक्सेस थे, ड्रॉप डाउन लिस्ट थी. राइट, एंड सबमिट बटन भी है. तो ये सब चीज हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखी है. राइट, अब ये सेशन में हम लोग देखेंगे जो जो हम लोगों ने पहले लर्न किया है, सीखा है, उसके यूज से हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ऑलराइट, हम लोग हर एक चीज जो हम लोग पहले सीखे हुए हैं इसका यूज पूरा एक फॉर्म बनाने में आज करने वाले हैं. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द सेशन. यहाँ पे मैंने दोनों विंडोज ओपन किए, नोटपैड प्लस एंड गूगल क्रोम. ओके, वन बाय वन हम लोग टाइप करेंगे और उसका आउटपुट देखते जाएंगे. ऑलराइट, ये हमारा फॉर्म टैग स्टार्ट हो गया. ऑलराइट, फर्स्ट वी विल सेव दिस वन. ऑलराइट, first name, what will be the input type? Input type for name is text. Okay, then size of the text box, I am giving here 20. All right, and value. Okay, next, last name, sab kuch same hi rahega, only value will be changed. Let's see output. तो यहां तक हम लोगों का आउटपुट क्या आया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. ऑलराइट, अगर लास्ट नेम को हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में लेना है देन वी विल यूज बी आर. ऑलराइट, ओके, वन मोर लाइन वी हैव टू गिव, सो अगेन आई एम गिविंग बी आर, अगेन सेव. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे टाइप भी हो रहा है और यहाँ पे हम लोग आउटपुट भी देख पा रहे हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट फील्ड मुझे ऐड करना है. नेक्स्ट चीज ऐड करेंगे हम लोग जेंडर. ऑलराइट, और हम लोग इसमें जेंडर में क्या करेंगे, मेल फीमेल ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करेंगे.
तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट टैग एंड इनसाइड सिलेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन इज मेन, सेकेंड वन फीमेल, ऑल राइट। एंड एंड ऑफ सिलेक्ट, ओके। अगेन वी विल सी यहां पे जेंडर आ गया, मेल एंड फीमेल, ओके, ऑलराइट। अब हम लोग नेक्स्ट यूज करेंगे एज, एज के लिए हम लोग यूज करेंगे रेडियो बटन, ओके। सो एज, व्हाट विल बी द इनपुट टाइप फॉर रेडियो, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ऑलराइट। Next attribute of radio, name equal to, suppose I am giving name age 1, and value equal to below 25, all right. And again, I'm popping the text. यहाँ पे एक बस चेंज करना है, अबव 10:25 Again we will save and see the output. See यहाँ पे क्या हुआ, gender के सामने age आया, तो after gender we have to use the break, okay? All right, age आ गया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे लेने वाली ऑप्शन हॉबीज, ऑलराइट। हॉबीज के लिए हम लोग चेकलिस्ट का यूज करेंगे, सो इनपुट टाइप विल बी चेकलिस्ट, सॉरी चेक बॉक्स, ओके, नेम
Alright, again we will stay. Now see, हम लोगों का यहाँ तक ये आउटपुट आया हॉबीज. हम लोग हॉबीज लेट कर सकते हैं मोर देन वन हॉबीज. ऑलराइट, देन नेक्स्ट लास्ट हम लोग ऐड करेंगे बटन. ओके, सबमिट बटन. ऑलराइट, इसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज करेंगे बटन. ओके, देन सबमिट. दिस इज अवर फाइनल आउटपुट. ऑल राइट, तो हम लोगों ने क्या क्या यूज किया यहाँ पे. फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया. ओके, जेंडर के लिए हम लोगों ने ड्रॉप डाउन बॉक्स का यूज किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज किया. और एज के लिए हम लोगों ने रेडियो बटन का यूज किया. हॉबीज के लिए हम लोगों ने चेक बॉक्सेस का यूज किया. और सबमिट के लिए हम लोगों ने बटन टैग का यूज किया. ऑलराइट, सो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ आवर फॉर्म. ओके, लाइक दिस वे वी कैन क्रिएट आवर फॉर्म. ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे. वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू यूज द टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स टू मेक अ फॉर्म इन HTML. ऑलराइट, हम लोगों ने हर एक ऑप्शन का यूज करके फॉर्म क्रिएट किया. ओके, सो यू ऑल्सो प्रैक्टिस विथ सम सैम्पल फॉर्म्स. ओके, एंड यूज HTML एंड प्रैक्टिस HTML टैग्स. थैंक यू.